प्रभास राजू उपलापाटी एक भारतीय फिल्म अभिनेता हैं जो प्रभास के नाम से जाने जाते हैं। प्रभास मुख्य रूप से तेलुगु सिनेमा में कार्य करते हैं। ये प्रभास नाम एक प्रसिद्ध नाम है। बाहुबली भारतीय इतिहास में सबसे महंगी फिल्म थी जो प्रभास ने की थी। प्रभास का जन्म 23 अक्टूबर 1979 को तमिलनाडु के मद्रास शहर में हुआ। उनका जन्म फिल्म निर्माता उपलापाटी सूर्यनारायण राजू और उनकी पत्नी शिवा कुमारी के घर में हुआ। प्रभास को एक बड़े भाई हैं प्रमोद उपलापाटी और एक बड़ी बहन है प्रगति उपलापाटी। प्रभास अपने भाई बहनों में सबसे छोटे हैं, इसलिए वो सबके लाडले हैं। प्रभास के अंकल कृष्णन राजू उपलापाटी, वो भी एक तेलुगु फेमस एक्टर हैं। प्रभास की फैमिली फिल्म इंडस्ट्री से जुड़ी हुई है। उनकी अपनी पढ़ाई DNR स्कूल से पूरी हुई और ग्रेजुएशन भी उन्होंने चैतन्य कॉलेज हैदराबाद से BTech की डिग्री में पूरी करी। प्रभास बचपन से ही खेल में और पढ़ाई में बेस्ट रहे हैं। उनकी हाइट और बॉडी अच्छी है और दिखने में वो स्मार्ट हैं। उनके पिता और अंकल के कहने पर उन्होंने एक्टिंग शुरू की। प्रभास की मेहनत और लगन की वजह से आज वो बहुत फेमस हैं। प्रभास ने अपने फिल्मी करियर की शुरुआत 2002 में ईश्वर फिल्म से की थी जो कि फ्लॉप रही थी। कहते हैं सीख कर मेहनत करने वाला एक दिन जरूर कामयाब होता है। प्रभास की फिर 2003 में राघवेंद्र मूवी आई लेकिन वो भी अच्छी चली नहीं। फिर भी उन्होंने अपना प्रयास छोड़ा नहीं और मेहनत करते रहे। उसके बाद 2004 में उनकी मूवी आई वर्षम जो सुपरहिट रही और इस फिल्म की वजह से प्रभास को तेलुगु फिल्म में एंट्री मिली। प्रभास ने 2002 में ईश्वर के साथ शुरुआत कर काफ़ी स्ट्रगल किया। उसके बाद 2005 में उन्होंने SS राजामौली द्वारा निर्देशित फिल्म छत्रपति में अभिनय किया जिसमें उन्होंने गुंडों द्वारा शोषित एक शरणार्थी की भूमिका निभाई। ये 58 सिनेमाघरों में 100 स्क्रीन्स पर रिलीज हुई थी। बाद में उन्होंने पोर नामी, योगी और मुन्ना में अभिनय किया। 2007 में एक्शन ड्रामा फिल्म आ गई। इसके बाद 2008 में एक्शन कॉमेडी बुज्जी काड़ू में अभिनय किया उन्होंने। 2009 में उन्होंने दो फिल्में की, बिल्ला और निर्जन। उसके बाद 2010 में वह रोमांटिक कॉमेडी डार्लिंग में नजर आए। 2011 में श्री परफेक्ट एक और रोमांटिक कॉमेडी में दिखाई दिए। 2012 में प्रभास ने रिबेल में अभिनय किया। राघव लॉरेंस द्वारा निर्देशित एक्शन फिल्म उनकी अगली फिल्म मिर्ची थी। उन्होंने फिल्म डैनी काइना रेड्डी के लिए एक छोटे से कैमियो के लिए आवाज़ दी। 2014 में SS राजामौली की महाकाव्य बाहुबली द बिगनिंग में शिवुडू महेंद्र बाहुबली और रमेंद्र बाहुबली के रूप में दिखाई दिए। यह फिल्म दुनिया भर में तीसरी सबसे बड़ी कमाई करने वाली फिल्म बन गई और दुनिया भर में आलोचकों और व्यावसायिक प्रशंसा मिली इस फिल्म को। बाहुबली की अगली कड़ी बाहुबली द कंक्लूजन 28 अप्रैल 2017 को दुनिया भर में जारी की गई। बाहुबली सेकंड की सफलता के बाद प्रभास के घर में शादी के तकरीबन देश विदेश से 6000 रिश्ते आए। बाहुबली सेकंड इंडियन फिल्म इंडस्ट्री की सबसे श्रेष्ठ फिल्म साबित हुई। बाहुबली के पात्र को न्याय देने के लिए प्रभास ने 4 साल तक कोई फिल्म साइन नहीं की थी। बाहुबली फिल्म के साथ कुछ विवाद जुड़े हैं। बाहुबली फिल्म की शूटिंग के दौरान यह अफवाह फैल गई थी कि एक्शन दृश्य करते हुए प्रभास घोड़े से गिर गए थे और घायल हो गए थे और उनको चोट इतनी लगी थी कि वह कोमा में चले गए थे, लेकिन फिल्म बाहुबली की टीम ने इस बात से साफ इनकार किया है। YSR कांग्रेस प्रमुख नेता जगन मोहन रेड्डी की बहन YS शर्मिला के साथ प्रभास के रिश्ते की अफवाह उड़ी थी, तब उन्होंने इस रिश्ते को लेकर दृढ़तापूर्वक इनकार कर दिया था। सेंट्रल क्राइम स्टेशन पुलिस ने YSRCP नेता और इंटरनेट पर प्रभास की आपत्तिजनक तस्वीरों और अपमानजनक संदेश पोस्ट करने के लिए 2 व्यक्तियों को गिरफ्तार भी किया था। 2019 में प्रभास ने सुजीत द्वारा निर्देशित एक्शन थ्रिलर फिल्म साहो में श्रद्धा कपूर के साथ अभिनय किया। इस फिल्म ने 433 करोड़ रुपए की कमाई की थी। 2022 में प्रभास 2 फिल्मों में दिखाई दिए, रोमांटिक ड्रामा फिल्म राधे श्याम और प्रशांत नील द्वारा निर्देशित एक्शन फिल्म सालार। और अब प्रभास दुनिया की सबसे महंगी फिल्म जो कि बताई जा रही है कृति सैनन सैफ अली खान के साथ पौराणिक फिल्म आदि पुरुष में दिखाई दे रहे हैं। यह फिल्म महाकाव्य रामायण पर आधारित है। शरद केलकर ने प्रभास को आवाज़ दी थी और प्रभास ने इसमें प्रभु श्री राम का रोल किया है। ओम राउत द्वारा निर्देशित यह फिल्म 3 दिन हो गए इसको रिलीज हुए और अब तक बताई जा रही है कि यह सुपरहिट फिल्म है।
आदिवृक्ष फिल्म काफी विवादों से घिरी हुई है, क्योंकि बताया जाता है, और ये हमने भी देख ली है पिक्चर और सही भी है, कि फिल्म में गलत दिखाया गया है, गलत डायलॉग बोले गए हैं। और प्रभास बाहुबली जैसे फिल्म में तो जचते हैं, पर प्रभु श्री राम के रोल में वो बिल्कुल नहीं जच रहे हैं। आप भी अपनी राय कमेंट बॉक्स में दे सकते हैं कि प्रभास आपको बाहुबली में ज़्यादा अच्छे लगे थे या आदिपुरुष में ज़्यादा अच्छे लग रहे हैं। कमेंट कर बताएं जरूर।